भाई तो तुम लोग क्लास 12th में आए रहे, अरे पार्टी तो बनती है भाई। तो मुझे चाहिए इस वीडियो पे लाइक और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। तो चलो आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ लास्ट लेसन। अरे ज़्यादा खुश मत हो, आज के चैप्टर का ही नाम है द लास्ट लेसन, जैसा लिखा है अल्फेंसो डॉट ने, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और ये कहानी है 1870 से लेके 1871 की, जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था और हमारे राइटर साहब आर्मी ज्वाइन करते हैं इस वॉर में लड़ने के लिए। और वो बताना चाहते हैं कि उस समय फ्रांस की क्या कंडीशन थी, वो ये सारा चीज़ एक यंग बॉय के थ्रू बताना चाहते हैं। और उस लड़के का नाम है फ्रेंच, जो कि एक स्टूडेंट है। तो चलो यारो आज की इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अबे चल बड़ा चैनल सब्सक्राइब करने वाला, चल बड़ा। तो देखो वो जो लड़का होता है ना, वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है और वो बहुत डरा होता है, क्योंकि जो उसका टीचर है एम हेमल, उसने उसे पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ के आने के लिए कहा होता है। और आज उसका टीचर उससे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछने वाला होता है, लेकिन इसने घंटा कुछ नहीं पढ़ा होता है और ये इसलिए डरा हुआ होता है। फिर वो सोचता है कि आज मैं स्कूल बंक मार देता हूँ, और वो ताजी हवा खाने निकल पड़ता है। वो देखता है आसमान चमक रहा है, मतलब यार बंक करने का ना एक अपना अलग ही मजा है, क्यों है या नहीं ये मुझे तुम नीचे बताओ। चलो आते हैं वापस कहानी पे। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक भीड़ लगी होती है बुलेटिन बोर्ड के पास में। ये बुलेटिन बोर्ड जो है ना, ये एक नोटिस बोर्ड है जहाँ पर पिछले 2 साल से जो भी नोटिस आ रहे थे, जो भी बुरी खबरें आ रही थी, वो इसी बोर्ड पर लगाई जाती थी। फिर वो नहीं रुकता, वो लड़का बिल्कुल भी नहीं रुकता, क्योंकि वो लेट हो रहा होता है स्कूल के लिए। वो आगे जा रहा होता है, फिर तभी उसे एक आवाज़ आती है और एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर होता है, वो उसे कहता है अरे भाई अभी स्कूल क्यों जा रहा है, अभी तो स्कूल में बहुत टाइम है। लेकिन उसे लगता है कि वो उसके मजे ले रहा है और वो नहीं रुकता है, वो स्कूल की तरफ भागा चला जाता है। फिर वो स्कूल पहुंच जाता है, और स्कूल पहुंचने के बाद वो हमें बताता है कि जब वो पहले स्कूल पहुंचता था तब तो वो बहुत ही भीड़ होती थी, बहुत ही हंगामे हो रहे होते थे, सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते थे और बहुत आवाज़ें आ रही होती थी। लेकिन आज जब वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल पूरा शांत था, और तभी भाई उसकी फटके चार हो जाती है। और फिर वो खिड़की से झांक के देखता है अपने क्लास में, वो देखता है कि जितने भी उसके दोस्त हैं वो अपनी जगह पर बैठ चुके होते हैं, और जो टीचर है उसका एम एम एल, वो चैप्टर शुरू ही करने वाला होता है। फिर वो बताता है कि आज से पहले जब वो क्लास में इंटर करता था तब उसे घंटा कोई नहीं नोटिस करता था, लेकिन आज जैसे ही वो क्लास में घुसा सारे बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसकी इज्जत की तो धजियां उड़ जाती है। यार ये बच्चे भी ना बड़े हरामखोर होते हैं, मतलब मजे लेने का एक भी मौका छोड़ते नहीं हैं। तुम इस बात से अग्री हो या नहीं मुझे जरूर बताना। चलो वापस आते हैं, तभी वो नोटिस करता है कि जो उसका टीचर है एम एम एल, उसने नई ग्रीन सूट और ब्लैक कैप लगा रखी होती है, मानो वो किसी की बारात में नाचने जाने वाला हो। और वो ये भी नोटिस करता है कि अक्सर जो बैक बेंच है वो खाली रहती थी, लेकिन आज विलेज के कुछ स्टूडेंट्स आके बैठे हुए होते हैं अपने पुराने बुक्स के साथ। फिर उसका टीचर कहता है कि आज ये मेरा लास्ट क्लास है और मैं तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बर्लिन से ऐसा ऑर्डर आया है कि अब से सिर्फ जर्मन स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाएगा लॉरेंस और एल्जिक के स्कूलों में, और जो तुम्हारा नया जर्मन टीचर होगा वो शायद कल से आएगा। फिर वो लड़का उदास हो जाता है और वो सारा खेल समझ जाता है, वो समझ जाता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ क्यों लगी होती है। फिर वो गिल्टी फील करने लगता है, उसने अपना सारा समय
इधर उधर की बेफजूल के कामों में गवा दिया होता है, जैसे कि सारा रिवर में जाके स्लाइडिंग करने में गवा दिया होता है। और फिर वो हमें बताता है कि जो बुक्स उसे भारी भरकम और बकवास लगती थी, सडनली उसको पुराने दोस्त की तरह लगने लगता है जिन्हें वो कभी खोना नहीं चाहता। और जो टीचर्स उसे खड़ूस और बकवास लगते थे, आज उन पर अचानक से प्यार आने लगता है। फिर वो हमें बताता है कि अब वो समझ चुका था कि जो उसके टीचर है MML, उसने नए कपड़े क्यों पहने हुए हैं। और वो ये भी समझ जाता है कि जो उसके पुराने विलेज के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आके क्यों बैठे हुए हैं। वो सारे MML को थैंक्स करने के लिए आए होते हैं, उनकी 40 साल की कुर्बानी के लिए, मेरा मतलब है उनकी 40 साल की टीचिंग के लिए। तभी MML उसे खड़ा कर देता है और पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने लगता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो रुकेगा भी नहीं और एकदम फर्राटेदार तरीके से पूरा बता देगा, लेकिन भाई वो पहली लाइन में अटक जाता है। लेकिन जो उसका टीचर होता है वो उसे बिल्कुल भी नहीं डांटता, वो उसे समझाता है। वो कहता है कि तुम हमेशा कहते थे कि कल सीख लूंगा, परसों सीख लूंगा, किसी और दिन सीख लूंगा, लेकिन अब देखो क्या हो गया है। और अब जो नए जर्मन्स आएंगे वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और तुम तो ये भी साबित नहीं कर सकते कि तुम एक फ्रेंच हो, क्योंकि तुम्हें तो फ्रेंच बोलना तक नहीं आता जो कि तुम्हारी मदर टंग है। पर वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि वो तुम्हें रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करने देते थे और फार्म हाउस पे कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए भेज देते थे। और शायद इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी कभी अपने फ्लावर में पानी डालने के लिए कह देता था, और जब मेरा मन फिशिंग करने का होता था तो उस समय मैं तुम्हें छुट्टियाँ दे देता था। और वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है। और MML उस लड़के को ये भी बताते हैं कि जब तक तुम अपना लैंग्वेज नहीं भूल जाते तब तक तुम पे कोई पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता और तुम्हें पूरी तरह से गुलाम भी नहीं बना सकता, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक तरह की चाबी है जो तुम्हें आज़ादी दिला सकती है। और भाई इसलिए मैं भी कहता हूँ कि इंग्लिश को मारो गोली, क्योंकि हिंदी ही है हमारी बोली। तो भाई नीचे भारत माता की जय जरूर लिख के जाना। चलो तो कहानी पे वापस आते हैं। फिर MML ग्रामर की बुक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और उस दिन उस लड़के के दिमाग में सारी चीजें डायरेक्ट घुस रही थी, उसे वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही थी। ग्रामर के बाद वो हैंड राइटिंग की क्लास लेते हैं, और उस दिन वो कुछ न्यू कॉपीज लेके आए होते हैं जिन पर लिखा होता है फ्रेंच एल्जेक, फ्रेंच एल्जेक। इसका मतलब है कि जो एल्जेक डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस की है, ना कि जर्मनी की। और ये सारी कॉपी उस लड़के को फ्लैग की तरह लग रही थी कि मानो पूरे क्लास में झंडा फहराया जा रहा हो। और तभी पूरी क्लास शांत हो जाती है, इतनी शांत कि जो MML अपने पेन से लिख रहे होते हैं सिर्फ उसी की आवाजें सुनाई देती है। फिर वो लड़का बताता है कि पहले जब कोई इंसेक्ट या चिड़िया क्लास में घुस जाती थी तो भाई भगदड़ मच जाता था, सारे लौंडे बेंच पीटने लगते थे और पूरी क्लास में शोर शराबा हो जाता था। बट आज पूरी क्लास शांत बैठी हुई थी, यहाँ तक कि जो कबूतर था वो भी पूरा शांत बैठा हुआ था, मानो वो भी MML की बातें गौर से सुन रहा हो। और फिर वो लड़का सोचता है कि क्या जर्मन्स इन कबूतरों को भी गुलाम बना लेंगे और इन्हें जर्मन में गाने के लिए कहेंगे। वो देखता है कि उसका टीचर MML बिना हिले डुले एक जगह पे बैठे होते हैं और सारे बच्चों को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। वो उस मोमेंट को अपने आंखों में कैप्चर कर रहे होते हैं। वो अपने गार्डन को और जो पेड़ उन्होंने रोपा था, जो उन्होंने लगाया था अपने गार्डन में, उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं
ये सारा चीज वो अपने आंखों के थ्रू कैप्चर करना चाह रहे होते हैं। उस लड़के को उसकी सिस्टर यानी कि एमएमएल की सिस्टर की आवाज सुनाई देती है जो बगल वाले कमरे में बैग्स को पैक कर रही होती है, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें यहाँ से जाना था। और तभी 12 बज जाता है और जो चर्च का घंटा होता है वो बजने लगता है। और फिर एमएमएल कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों और भाई, पूरा शांत हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, उनकी मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रहा होता है, वो पूरा शांत हो जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे जाकर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं विवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस की उम्र बहुत दिनों तक हो। और लड़खड़ाते हुए दीवार पे जाके अटक जाते हैं और तभी वो अपने हाथों से इशारा करते हैं और इशारा करके कहते हैं कि आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। इस चैप्टर ने तो यार मुझे इमोशनल कर दिया और 1947 की याद दिला दी। यार सैल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। भारत माता की जय। नीचे कमेंट में जरूर लिख देना भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, तुम्हें अगर लगता है कि यह वीडियो किसी को देखना चाहिए तो यारो जाओ अपने व्हाट्सएप पे और जाकर उन्हें शेयर करो ये वीडियो, ठीक है? जय हिंद।